हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आपको जो जीता वही सिकंदर फिल्म का घुंघराले बाल वाला वो एक्टर मामिक सिंह तो याद ही होगा। क्या आप जानते हैं कि वो 90s के उभरते हुए स्टार बनने वाले थे, मगर कामयाबी का घमंड कैसे किसी एक्टर को ले डूबता है, इसका जीता जागता उदाहरण मामिक सिंह है। चलिए हम आपको मामिक के जीवन की दो बड़ी गलतियां बताते हैं जो उन्होंने सफलता के नशे में की और अपना अच्छा खासा उभरता करियर बर्बाद कर लिया। दूसरी गलती में उनके जीवन का एक काला सच भी छिपा है जो आपको चौंका देगा। 3 मई 1963 के दिन मुंबई में अभिनेता मामिक पैदा हुए थे। वैसे इनका असली नाम हरमीत सिंह मामिक था, जो बाद में मामिक सिंह हो गया। इन्होंने कभी भी फिल्मी एक्टर बनने की नहीं सोची थी, बस किस्मत कैसे इन्हें बॉलीवुड ले आई ये बताते हैं। मामिक सिंह को घर वालों ने पढ़ने के लिए दार्जिलिंग भेज दिया था। परिवार चाहता था कि वो पढ़ लिख कर आर्मी ऑफिसर बने। करीब करीब 6 फुट लंबे मामिक खुद भी फौज में ही जाना चाहते थे, मगर बदकिस्मती से वो आर्मी में नहीं जा सके। चेहरा मोहरा अच्छा था, लंबाई चौड़ाई भी बढ़िया थी। दोस्त अक्सर बोलते रहते कि मॉडलिंग में जाओ। मामिक को भी आइडिया पसंद आया, बीकॉम पूरा किया तो मॉडल बनने का रास्ता तलाशने लगे। इनको मॉडलिंग में जाने का एक रास्ता समझ में आया, विज्ञापन एजेंसी। इन्होंने विज्ञापन एजेंसी में अपना करियर बनाने की योजना बनाई, कई जगह इंटरव्यू दिए और एक एड एजेंसी में नौकरी भी हासिल कर ली। एजेंसी में करीब 3 साल तक काम करते रहे। विज्ञापन की दुनिया में पर्दे के पीछे काम कैसे होता है ये बारीकी समझते रहे। इसी दौरान किस्मत ने साथ दिया और इनको एड फिल्मों में मॉडलिंग के ऑफर आने भी शुरू हो गए। 90s के विज्ञापनों में मामिक छाने लग गए। खासकर एक विक्की के विज्ञापन ने उनको खासा मशहूर कर दिया था। अब देखिए, किस्मत बुलंद होती है तो काम कैसे खुद ब खुद बनने लगते हैं। 1991 के आसपास की बात है। डायरेक्टर मंसूर खान अभिनेता आमिर खान को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। कास्टिंग फाइनल हो चुकी थी। आमिर लीड हीरो, उनके अपोजिट सुपर मॉडल मिलिंद सोमण अपना करियर इसी फिल्म से शुरू करने जा रहे थे। वहीं आमिर के बड़े भाई के किरदार में आदित्य पंचोली। फिल्म की शूटिंग भी 25% पूरी हो चुकी थी। अचानक मिलिंद सोमण ने उस फिल्म से हटने का ऐलान कर दिया। मिलिंद उन दिनों सुपर मॉडल हुआ करते थे। उनको इस फिल्म से करियर शुरू करना सही नहीं लगा तो फिल्म छोड़ दी। अब फिर से फिल्म की कास्टिंग शुरू हुई। मामिक बॉलीवुड में कदम रखने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। इस बार स्क्रीन टेस्ट देने दीपक तिजोरी और मामिक सिंह भी पहुंचे। आखिरकार मिलिंद का रोल दीपक तिजोरी को मिल गया और आदित्य पंचोली की जगह मामिक सिंह को आमिर के बड़े भाई का किरदार मिल गया। 1992 में फिल्म आई जो जीता वही सिकंदर। फिल्म सुपरहिट रही और इसके गानों ने उस दौर में धूम मचा दी थी। रतनलाल शर्मा के किरदार में मामिक भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। इस फिल्म के बाद उनके पास भी फिल्म मेकर्स के ढेरों ऑफर आने शुरू हो गए। हर कोई अपनी फिल्म में मामिक को लेने के लिए मुंह मांगी फीस देने को तैयार था, मगर बस यही कामयाबी के घमंड में वो पहली गलती कर बैठे। जो जीता वही सिकंदर फिल्म के बाद मामिक सिंह के पास फिल्म मेकर्स की लाइन लगी रहती, मगर पहली ही फिल्म से मिली अप्रत्याशित कामयाबी के नशे में वो सबके ऑफरों को ठुकराते जा रहे थे। उनके पास जिस भी किरदार का ऑफर आता उसको वो कमजोर बताकर मना कर देते। पहली ही फिल्म की सफलता के बाद खुद को बड़ा स्टार समझने की गलती कर बैठे मामिक को लीड रोल चाहिए था जो उनको नहीं मिल रहा था। इसी वजह से उन्होंने एक के बाद एक ढेरों ऑफर ठुकरा दिए। फिल्म मेकर्स किसी का इंतजार नहीं करते, ये बात उनको तब समझ आई जब कुछ ही समय में उनके पास ऑफर आने ही बंद हो गए। 1995 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी राम जाने। इसमें मामिक को भी पहले मुरली नाम के युवक का अहम किरदार मिला था, मगर बाद में इनके नखरों की वजह से डायरेक्टर राजीव मेहरा ने इनको फिल्म से निकाल दिया और वो रोल विवेक मुशरान को दे दिया। फिल्म से निकाले जाने पर मामिक राजीव मेहरा पर बहुत गुस्साए थे। ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में फिल्मों में रोल मिलने बंद हुए तो मजबूरी में मामिक को टीवी का रुख करना पड़ा। अपनी गलती से करियर डुबा रहे मामिक को किस्मत ने एक और मौका दे दिया। टीवी पर इनके कई सीरियल हिट होने लगे।
कानून में डॉक्टर सतीश का किरदार हो या चंद्रकांता में देवा का या फिर वो सीरियल का राहुल साहनी, इस बार मामिक टीवी पर हिट होने लगे। इसी बीच इनको बॉलीवुड से फिर ऑफर आने लगे। 1997 में मामिक ने फिर से फिल्मों में वापसी की दो फिल्मों से, नाम थे दिल के झरोखे में और कोई किसी से कम नहीं। अफसोस दोनों फिल्में नहीं चली। वैसे जेपी दत्ता ने अपनी सुपरहिट फिल्म बॉर्डर में इनको यादगार रोल दिया था, वही मथुरा दास का जो छुट्टी मिलने पर चिल्ला रहा होता है। मगर राजस्थान में शूटिंग के दौरान इनको होटल पसंद नहीं आया तो ये फिल्म ही छोड़कर मुंबई चले आए थे। बाद में जेपी दत्ता ने भी इनको सबक सिखाया और ये रोल एक्टर सुदेश बेरी को मिल गया। आज भी बॉर्डर का छुट्टी वाला सीन काफी मशहूर है, जो अपने नखरे के चक्कर में मामिक ने गंवा दिया। इसके बाद फिल्म आई क्या कहना, प्रीति जिंटा के भाई विक्की के किरदार में मामिक फिर दिखे। फिल्म तो चली लेकिन ये नहीं चल सके। मगर इसी दौरान टीवी पर फिर से नसीब साथ देता गया। बेताल पच्चीसी, दीवार और हिंदुस्तानी जैसे हिट शो का हिस्सा बनने के बाद इनकी झोली में वो किरदार आ गया जिसने इनको छोटे पर्दे का सुपरस्टार बना दिया। साल 2002 में हॉरर शो कोई है का नया सीजन आया। इसमें मामिक को भूत पकड़ने वाले विकराल नाम का किरदार मिला। उनका ये किरदार इतना हिट हो गया कि शो मेकर्स ने अगले ही साल 2003 में एक पूरा शो ही मामिक के लिए लॉन्च कर दिया। नाम था विकराल और गबराल। विकराल बने मामिक और गबराल के रोल में के गोस्वामी ने धूम मचा दी। शो सुपर हिट होने लगा और मामिक का करियर भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। किस्मत ने दूसरी बार इनको मौका दिया था, मगर एक बार फिर सफलता इनको रास नहीं आई और इस बार वो ऐसी गलती कर बैठे जिसने इनका करियर ही नहीं निजी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। अब हम आपको मामिक के जीवन का वो काला सच बताते हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। छोटे पर्दे के सुपरस्टार बन चुके मामिक गलत लोगों की संगत में फंस गए। खूब पैसा आया तो वो नशा करने लगे, ड्रग्स का ऐसा नशा जो इनकी जिंदगी बर्बाद करने लगा। ये नशा उनका करियर तो ले ही डूबा, साथ ही परिवार भी बर्बाद कर बैठा। वो घातक से घातक नशा करने के आदि हो गए और अपनी आंखों के सामने ही अपनी फैमिली बर्बाद होते देखते रहे, मगर कुछ करने के काबिल नहीं थे क्योंकि उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इन्होंने संध्या नाम की लड़की से साल 1997 में शादी की थी। दोनों की एक बेटी भी हुई, मगर संध्या ने भी मामिक को छोड़ने का फैसला कर लिया और साल 2008 में तलाक दे दिया। करियर, घर परिवार, जिंदगी सब कुछ बर्बाद होते देख इनके कुछ दोस्तों ने मदद की और कई सालों बाद ये उस दलदल से बाहर निकल पाए, लेकिन मामिक ने देर कर दी थी। इनका करियर, परिवार सब तबाह हो चुका था। मामिक ने एक बार फिर तीसरी पारी शुरू करने की कोशिश की। टीवी और फिल्मों में छोटे मोटे रोल तो मिल गए, लेकिन किस्मत बार बार साथ नहीं देती। यही इस अभिनेता के साथ भी हुआ। वो इसके बाद कभी अपनी पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो सके। मामिक डायरेक्टर बनने की कोशिश करने लगे, एक सीरियल डायरेक्ट भी किया, मगर यहाँ भी फ्लॉप साबित हुए। इन दिनों मामिक मुंबई में ही रहते हैं। रामानंद सागर की प्रोड्यूसर पोती मीनाक्षी सागर से साल 2018 में इन्होंने सगाई कर ली थी। इसके बाद दोनों की शादी की कोई खबर नहीं आई। इन दिनों मामिक गाहे बगाहे कभी वेब सीरीज तो कभी फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर अपने जीवन की गाड़ी खींच रहे हैं। काश सफलता को वो पचा पाते तो आज हिंदी फिल्मों के बड़े अभिनेता होते, यूं गुमनाम जिंदगी ना बिता रहे होते। दोस्तों, आपको मामिक सिंह याद हैं? अगर हाँ तो उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको पसंद आया था हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।